खाने का दुख है, कहते उसका भी कम खाओ। अब आप सोचो क्या आप खाना खिलाते वक्त उसके साथ क्या बातें करते हैं, या उसको आने के बाद खुशी फील करते हो शब्दों से बोलो। आप भी किसी के जवाई हो, आप अपने ससुराल में जाओ, वो आपसे बात ना करे तो आप दोबारा नहीं जाओगे, अगर आप इज्जत दार हैं। और ये साधु जवाइयों के जवाई कुड़मों के कुड़म है, बात करो उनसे, बाबा जी अच्छा था, आज हमारा घर पवित्र, आप जैसे पवित्र आत्मा है, आपके दर्शन दुर्लभ है, आपका स्पर्श दुर्लभ है, आप उनके घुटनों पे, उनके पैरों पे या उनके पास जाकर उनके हाथों को लेकर मत्था टेको। कल मैं किसी महात्मा भाई प्रेम भाई जी सीरियस है वहाँ, उनको मिलने गई, एक आता तो उनके हाथ लेकर चूमता था, दूसरा आता तो चूमता था, तीसरा आता तो चूमता था, वहां तक हमारा काम पहुंचता है क्या? आचार्य जी चूमते थे, बारिशा चूमती थी, मादेशा चूमती थी, सब नहीं चूमते, ना थोड़ा चूमते थे। तो जब हमारे अंदर उनके प्रति आदर होगा ना, तो हम उस क्रिया को करते हुए अपने आप को छोटा और अपनी क्रिया को बहुत थोड़ा समझेंगे, तो फिर हमारे इस मंदिर का वातावरण में जो आप हमें सुना रहे हो, तो आप एक तक सुन रहे हो, शायद किसी को रोमांच हो रहा होगा, शायद किसी को फील हो रहा होगा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, शायद किसी को ये दुर्लभता लग रही होगी कि ऐसे ही हम सुनते रहे, या किसी को ऐसा लगेगा कि अब हमने ऐसे करूंगी, तो उसके प्रति तो हो गया भगवान का भाव। लेकिन जब हमारे मन में हम यहाँ नहीं है, तो हमारे अंदर वो रोमांच नहीं होगा। अचानक मैं सुना रही हूँ, और किसी के अचानक मौत का संदेश आता है, तो हम सब सन्नाटे में हो जाते हैं, जबकि हमारा किसी का भी कोई नहीं लगता हो, तो एकदम वातावरण में बदलाव आ जाता है। उसको हम कहते हैं हमारे शास्त्र का महज भूत का बदलना। ये संसार पांच भूत तीन गुण का बना है, उसमें महज भूत होते हैं जो वातावरण में बदलाव कर देते हैं। और जब हमारा कोई बहुत प्रिय आ जाता है, उस प्रिय के आने के बाद भी हमें आंखों में आंसू आते हैं, रोमांच होता है, उसको गले लगाते हैं, उसको भी चूमते हैं, उसको जो अच्छा लगता है उसको खिलाते हैं। इसी तरह वो मिलने के बाद जब हमारे वातावरण में सन्नाटा आ गया, वो भी सन्नाटा है, और मरने के बाद भी जो सन्नाटा है वो भी सन्नाटा है, पर दोनों में भेद है, एक में दुख का सन्नाटा है, एक में सुख का सन्नाटा है। तो हमें वो भी सन्नाटे अपने मन में लाने हैं कि ये आए हैं तो सन्नाटा हो गया, खुशी के आंसू आए हैं, रोमांच हुआ है, और जब जा रहे हैं अब दोबारा कब मिलेंगे, इनको छोड़ने को दिल नहीं करता, जल्दी आना, हमें याद करना, स्मरण के अवसर याद करना, किसी समय भी याद करना, आपके याद करने से चिंतन हमारे पाप कटेंगे। इस तरह की जब हम उस परमेश्वर के भक्तों को, ज्ञानियों को हम दुर्लभता से देखते हैं, पहचानते हैं, तो हमारी क्रिया से क्योंकि निरेतुक होने में सामर्थ्य आता है, वरना हम निरेतुक नहीं। पर फिर भी अपने मन को सोचते रहो कि हमने छोटे छोटे हेतु तोड़ दिया। मैंने इसीलिए कह दिया कि आप करेंगे तो जरूर, आप दूसरे ब्राह्मण को थोड़ी दान करोगे, कहीं और थोड़ी करोगे, करना तो आपने साधु संतों को ही है, लेकिन अपने सुख दुख के कार्यक्रम से दो दिन चार दिन पहले, जैसे शादी का दो दिन पहले कोई कार्यक्रम शुरू हो जाता है, उससे पहले मुंडन कर है तो एक दिन पहले उस दिन का हेतु रख के क्रिया मत करो, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। ये सब लोग ध्यान रखना, ठीक है? जो हम लोग स्थानों पर किसी एक ने, हाँ इसी क्रिया के बाद साथ में एक व्यक्ति ने मुझे ये पूछा था कि हम लोग भोग जी खाते हैं, हम भी भगवान के सामने दिखाते हैं, मतलब पूजा के सामने, साधु लोग हमारा भोग क्यों नहीं खाते? सबसे सामान्य बात तो ये है कि एक वस्तु पर जब मेरा हक हो गया तो उसी वस्तु पर इसका हक कैसे होगा? आपने मुझे दे दी ना, वो मेरी हो गई, वही थाली आप उठा के उसको दे रहे हो, तो एक थाली पर दो जनों का तो नहीं खाना होता ना, वो तो हमारी मर्जी है कि हम दो जने खा लें। लेकिन जब आपने भगवान को अर्पण कर दी वो चीज, वही दोबारा उठा के आपने दूसरी तरफ अर्पण कर रहे हो, तो वो एक प्रकार का अविधि माना जाता है। दूसरा, आप जो भावरूप क्रिया करते हो उसमें सहेतुकता होती ही है, इसलिए वो सहेतुक क्रिया और अर्पण की हुई चीज आप साधुओं को खिलाने के
जो भोग को लगाया है वो प्रसाद समझ के खुद स्वीकार करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, भोग की सारी चीज निकाल के दोबारा सारी रोटी में डाल देते हैं, वो भी नहीं करें, क्योंकि वो भी उसमें उच्चिष्ट प्रसाद का भाग है। लेने वाला क्या है वो ले, चाहे मैं भी हूँ तो मैं मान सकती हूँ भैया दो कल दो उंगली में या तीन उंगली में समाये इतना प्रसाद मुझे दे दो, लेकिन अपनी तरफ से हमने प्रसाद नहीं देना, लेना है तो हाथ आगे करो, नहीं लेना तो आगे चलो। इसलिए वो जो दी हुई है उसे हम दत्त पदार्थ ग्रहण, दिया हुआ पदार्थ दोबारा ले लेना वो बहुत बड़ा अविधि माना गया है। एलोरा में एक संतोष जी रहते थे भगवान के पास, और वो उन्होंने एक कपड़ा भगवान को अर्पण दिया। अर्पण करने के बाद थोड़ी ठंड थी, मन में सोचते रहे ये कपड़ा मुझे वापस दे दे भगवान तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन भगवान ने अपनी तरफ से नहीं दिया। उन्होंने फिर मुंह से बोला, महाराज वो मैंने कपड़ा आपको दिया था ना, वो मुझे आप सर्दी की वजह से दे दो। भगवान कहते भाई लाओ वो कपड़ा इसको वापस। फिर उसको बुलाया, इधर तूने ये कपड़ा हमें देने के बाद तेरा हक खत्म हो चुका था, तूने दान दिया हुआ वस्त्र दोबारा ले लिया है, तुझे घर गया अभी थी, तो तू अब एक उपहार कर हमें भोग लगा रोटी के ना। और रोटी बनाई विधि की तो संकल्प डालने से पहले मतलब प्रार्थना करने से पहले भगवान बोलते हैं दो दिन होते डाला कह मुंह से कह कि भगवान मैंने ये वस्त्र आपको अर्पण किया था, वो वस्त्र मैंने वापस ले लिया, उसका घड़ा मुझे अभी दी, वो अभी दी मेरा क्षालन करे माफ करे मेरे मुझे प्रार्थना मेरे स्वीकार, और दूसरे जनों दान दो और भगवान मेरा भोजन स्वीकार करो। इसलिए जो वस्तु हम दे देते हैं उस पर हमारा हक नहीं होता, वो हम अपनी ना समझे। रोटी भी खिलानी है पंगत करनी है तो करने वाले ने सबके खाने के बाद ही मुझ उठा करना है, तब तक मुझ उठा नहीं करना। यत्न शिष्टा स्नेह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते तेजोगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हम बनाकर खुद ही खा लेते हैं तो भगवान कहते हैं वो पाप ही खा लेगा, पाप को खाया उसने, लेकिन जब दूसरे के लिए बनाया है तो सबको खिलाने के बाद ही खाओ, सबका हो गया है, बनाने वाले को भी बोलो आप भी खाओ, नौकर होता है। दृष्टांत दिया भगवान ने कि एक नौकरानी वाली औरत है, जब वो सारा काम कर लेती है तो खाने जब बैठना है, क्योंकि नौकर यही खाता है, वो कोई बाहर थोड़ी खाता है पैसे लेके चला नहीं जाता, वो भी यही खाता है, तो उसको पहले नौकर को दो, क्योंकि वो मालकिन जो है पहले नौकरानी को देती है फिर अपने पास लेती है, पहले उसको दो जो कुछ भी बनाया है सब कुछ दो उसको, और फिर जो बच्चे हैं वो खाओ। पर दूसरों के ये नहीं हमने करना कि ये तो मुझे स्वाद नहीं लगता इसको जरा गर्म कर दे, ये जरा मुझे अच्छा नहीं लगता जरा इसको तड़का लगा दे, ये जरा स्वाद नहीं बना इसको जरा ये कर दे, खुद के लिए नहीं, जो बचा है जैसा बचा है जितना भी बचा है उतने में खाओ, खुद के लिए उस वक्त स्वाद दे। क्यों कि उस वक्त आप मंदिर में स्वाद लेने के लिए नहीं आए हुए, आप प्रसाद लेने के लिए आए हुए। क्योंकि ऐसा भी मुझे अनुभव आया, मैं कहीं मार्ग लेकर बाहर थी, उन लोगों ने पंगत की, 10-20 जनों ने मिल के की रोटी सब्जी हमारे खाने के बाद, वो हमारे खाने में लहसुन प्याज नहीं होता, मिर्च मसाले भी नहीं होते, सादा होता है बिल्कुल, तो वो जब खाने बैठे तो किसी ने कहा बिल्कुल स्वाद ही बना हुआ, जरा लहसुन बिसन छीलो, औरतों को बोले आदमी लोग लहसुन बिसन छीलो और प्याज काटो और मसाला लाओ जरा पीसो मिक्सर में निकाल लो और वो तड़का लगा के खाएंगे। इधर पोथी का टाइम हो गया, मैंने कहा ये किचन में शोर क्यों हो रहा है, फिर मुझे किसी ने आके बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने एक आदमी को भेजा, मैंने जाके देखते हैं रसोई में क्या है, क्योंकि रात की पंगत का भी समय है, वो बोले भाई जी वो तो खाना बना रहे, खाना बना रहे, खाना तो बना, वो सब ने खा लिया है, वो बोले खुद के लिए वो अच्छे से तड़का लगा के खा, अब क्या कहोगे आप, बिल्कुल एक दिन आप अपना स्वाद नहीं मार सकते। घर में सुशा दुख होता है तो हमको उस वक्त भी स्वाद देते हैं, ये तो पवित्र है, जिसको खाने पर आपका थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो पर पवित्रता आती है, वातावरण वैसे है, स्थान वैसे है, व्यक्ति वैसे, पदार्थ वैसे, और आपका हेतु ये गलत कि खाने के वक्त आप कह रहे जैसे गर्म करके मेरे को जैसे तड़का डाल दे, जैसे दूध डाल दे, जैसे घी लगा दे, या जैसे ऐसे कर दे, ये नहीं मुझे खाना,